होमवर्क असाइनमेंट कैसे अपलोड करना है। आपने क्लास ओपन की, मैंने डेमो क्लास ओपन की है। जैसे मैंने डेमो क्लास ओपन की, यहाँ पे क्लास वर्क में जाइएगा, प्लस साइन आएगा, प्लस साइन गए। अब आपको असाइनमेंट अपलोड करना है बच्चों के लिए। आप असाइनमेंट अपलोड कीजिए, यहाँ टाइटल नाम लिख दिया मैंने, टिक टिक टिक, और यहाँ पे लिख दिया है शो द टाइम। ओके, अब यहाँ मुझे मार्क्स नहीं देने हैं, तो इसे मैं अपग्रेड करूँगा। अनग्रेडेड मतलब सिर्फ मैं ग्रेड दूँगा, गुड वेरी गुड। यहाँ ड्यू डेट डाल सकते हैं आप, अगर ड्यू डेट डालनी है, जैसे मुझे 19 मंडे तक चाहिए। ओके, उसके बाद टाइम, यहाँ टाइम ऑप्शनल पे जाइए, यहाँ पे आप इस तरह से 0 ये हो गया, और आवर में जाना है, यहाँ आवर में क्लिक करना है। देखिए आवर, और ये 59 मिनट्स हो गए। आवर में मैं 12 बजे तक, लेकिन कौन से 12 बजे तक, तो यहाँ पे आपको लिखना है। आप देखिएगा इस तरह से 12, यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपने 2 बजे तक कहा है 00। ओके, 2 बजे तक संडे। अब 2 बजे तक रात के भी हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ डालना है आपको 14:00, इसलिए ओके कर दीजिए, मतलब दोपहर के 2 हो जाएंगे। ये है एएम पीएम ना लिखते हुए भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ टॉपिक डालना ज़रूरी है। आपने ऐड किया, यहाँ ऐड किया, टॉपिक ऐड किया, वही सेम कौन से टॉपिक पे है, टिक टिक टिक, इसे सेव कर दीजिए। ये टॉपिक नेम आ गया यहाँ। अब देखिए यहाँ ऊपर अटैचमेंट फाइल है। अब अटैचमेंट फाइल में आपको गूगल ड्राइव में है, लिंक द्वारा भेजना है या कैसे, तो फाइल अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। तो उससे अच्छा हम यहाँ पे फाइल पे मैं गया, यहाँ मैंने मुझे फ़ोन में मैंने सेव करके रखा है। फ़ोन में मेरे पास क्लास फोर्थ में मेरे पास अपलोड होमवर्क है, ये वाला मैंने सिलेक्ट किया। जैसे सिलेक्ट किया, ये अपलोड होने में थोड़ा समय लेगा नेटवर्क के अनुसार, नेटवर्क स्ट्रांग है तो अपलोड जल्दी हो जाएगा। ये अपलोड हो गया, यहाँ पे यहाँ आय का साइन आता है, फिर से देखिए आय का साइन। इसमें आपको स्टूडेंट कैन व्यू, सिर्फ स्टूडेंट देख सकते हैं क्या, या स्टूडेंट आपने ऑनलाइन देना है, जैसे मैंने टिक मार्क का किया था, कड़ी में उन्होंने ड्रॉ किए थे हैंड। अगर आपको स्टूडेंट कैन व्यू करना है, स्टूडेंट कैन व्यू, ठीक है, या तो स्टूडेंट कैन एडिट, आपको एडिट करना है तो पेन का ऑप्शन आएगा, तो बच्चे इसमें टिक करके भेज सकते हैं। अगर बच्चों को कॉपी में लिखवाना है आपको, तो स्टूडेंट कैन व्यू। ओके, उसके बाद जैसे ये होता है, तो यहाँ असाइनमेंट के बाद देखिए यहाँ एक एरो है ट्राइंगुलर शेप में, इसे टच कर दिए। और असाइनमेंट आपको ये करना है, अटैच करना है, तो इसमें फिर से जाइए, इसे और फाइल ऐड करना है आपको वर्ड की, मैंने वर्ड की फाइल ऐड की। एक साथ 2 असाइनमेंट आप दे सकते हैं, एक होमवर्क एक क्लास वर्क। अब होमवर्क में मैंने इन्हें कैन एडिट कर दिया, मतलब ये होमवर्क मुझे ऑनलाइन भेजे या कॉपी में भी लिखवा सकते हैं। और इसे फिर बाद में आपने 2 होमवर्क दिए, यू गिव द 2 असाइनमेंट, 1 इज़ क्लास वर्क, 2 इज़ होमवर्क एंड सेम। यहाँ पे आपका शो करेगा, इसे आप ओपन करोगे तो यहाँ असाइनमेंट चला गया, ठीक है, यहाँ असाइनमेंट चला गया। इसे आप एडिट भी कर सकते हैं, या एडिट भी कर सकते हैं दोबारा, आप इसे किसी फाइल को निकालना है, किसी फाइल को और ऐड करना है, तो आप एडिट करके जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।